शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने चौड़ा मैदान में शिमला शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए आयोजित जनमंच में नगर निगम मेयर कुसुम सदरेटा को लताड़ लगाई है। हुआ यूं कि जनमंच में एक महिला अपने वार्ड में पानी की समस्या को लेकर अपनी बात रख रही थी। इस बीच मंच पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ बैठी नगर निगम की मेयर ने कुछ कह दिया, फिर क्या था। मेयर की बात सुनकर शिक्षा मंत्री भड़क गए और सोफे से उठकर मेयर को लताड़ लगा दी। उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, आप शिकायतकर्ता से इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। जनमंच में लोगों की समस्याएं सुननी है तथा उनका समाधान निकालना है। इस बीच जनमंच की अध्यक्षता करने पहुंची शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सुरेश भारद्वाज को बैठने के लिए कहा और शिकायतकर्ता की समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। आपको बता दें कि प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए और उनका निपटारा करने के लिए शुरू किया गया जनमंच कार्यक्रम शिमला के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए चौड़ा मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निपटारे भी किए। कार्यक्रम में कुल 67 लोगों ने समस्याएं उठाई, जिनका अधिकतर निपटारा मौके पर ही हो गया। सरवीण चौधरी ने कहा कि शिमला के अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन ही शिकायतें भेजी हैं, लेकिन खुद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मंत्री ने लोगों को कार्यक्रम में ना पहुंचने पर चिंता जताई और कहा कि सरकार के साथ साथ लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझें, केवल सरकार पर ही सारी चीजें नहीं छोड़नी चाहिए। वार्ड में बहुत सारी समस्या है, हमारे वार्ड में पानी के पब्लिक नल नहीं लगे हुए। जनमंच में सुननी है, उसकी समस्या का समाधान करता है, ये क्या तरीका है। आप अपनी बात को आपने कहा है, आप बोलिए।